क्लास सेवेंथ हिंदी पार्ट चार जॉर्ज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं WJ सरकार द्वारा रचित पर्यावरण लेख जॉर्ज। जॉर्ज एक बड़ा सा भूरा मूषक सर्प है। अपनी जाति का एक उदाहरण, लगभग 2 मीटर लंबा, शायद उससे भी अधिक था। कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता था, क्योंकि जब जॉर्ज पास से गुजरता था तो मानो ख़त्म नहीं होता था। कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के तरफ एक संकरी सड़क स्थित है। वह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर ख़त्म होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान हैं और अधिक यातायात ना होने से बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती हैं। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं, जैसे हुदहुद, उल्लू, बुलबुल, कटफोड़े, सुंदर नीले, पीले और हरे तोते, चिड़ियाँ और कोई भी। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। एक दिन मेरी बहन और मैं बगीचे की ओर खुलने वाले बरामदे में अपनी कुर्सियाँ डालकर सुस्ता रहे थे। हमारी बंद किताबें हमारी गोद में पड़ी थी। हम बाग की ऊंची दीवारों के निचले हिस्सों में नाना प्रकार के उगे रंग बिरंगे फूलों को निहार रहे थे। सफाई से कटी घास अभी ओस में नम थी। मुझे स्मरण है कि वह बसंत की एक छोटी प्यारी सुबह थी। मैं बगीचे के छोर पर उगे खजूर के पेड़ों को एक तक देख रही थी और उसके विशाल शोभायुक्त पत्तों को निहार रही थी। पत्ते हवा में मस्ती से झूल रहे थे। अचानक खजूर के पेड़ से गिरती एक छोटी सी वस्तु देख एक झटके से हमारा आलस टूटा। उसके पीछे पीछे एक काफ़ी बड़ा अधिक भारी पिंड उस गुड़हल की झाड़ी में से धड़ाम से आ गिरा। वह छोटी सी वस्तु एक चूहा था, जो धरती पर गिरते ही जान बचाकर भागा। हमको भयभीत कर देने वाली वस्तु बहुत बड़ा मूषक सर्प था, जो तुरंत चूहे के पीछे भागा। इसके बाद कुछ क्षण बड़ा रोमांचकारी नाटक चलता रहा। उसमें एक उन्मत्त चूहा हमारे बगीचे में इधर उधर भागता रहा और उसके पीछे पीछे एक भूखा सांप, एक चालाक कौवा बैठा ये सब कुछ देख रहा था और सही क्षण चुनकर नीचे झपटा और सर्प का भोजन ले गया। शिकार छिन जाने पर सर्प बाहर निकलने वाला रास्ता ढूंढते हुए बगीचे में इधर से उधर रेंगता रहा। शीघ्र ही उसने एक उचित पेड़ मिल गया। उस पेड़ पर चढ़कर वह दीवार के उस पार पहुंचा और दूसरी ओर चला गया। तब जाकर हम उसकी रोकी हुई सांसें ठीक से ले सके और हमें कुछ चैन मिला। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में ये नाटक बार बार हुआ, पर चूहे के बिना। वही सांप फिर उसी खजूर के पेड़ के नीचे धड़ाम से उसी झाड़ी में गिरता, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसी दीवार पर से गायब हो जाता। तीसरी मुलाकात के बाद हमने उस सांप का नाम जॉर्ज रखने का निश्चय किया। आखिर ऐसे अक्सर आने वाले अतिथि का कोई नाम तो अवश्य ही होना चाहिए था। हमारे पिताजी ने बगीचे और उसके आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि दीवार के पीछे उस ओर उगने वाले एक बड़े कांटेदार पेड़ की डाली हमारे खजूर के पेड़ को छूती थी। इस तरह जॉर्ज को सरलता से मार्ग मिल गया था। हमारे खजूर के पेड़ के शिखर पर चूहों का एक परिवार रहता था। उस दोषी डाली के कट जाने पर जॉर्ज ने टपक कर आना छोड़ दिया। अब उससे सही ढंग से हमसे भेंट करने का निश्चय किया। वह सामने से फाटक से आने लगा। जॉर्ज पक्षियों के घोंसले पर हमेशा छापा मारा करता था। एक दिन पक्षियों को क्रोधपूर्ण चीखों से आकर्षित होकर मैंने ऊपर देखा और उसे जंगल के एक पेड़ की टहनी पर धीरे धीरे एक घोंसले की ओर बढ़ते हुए पाया। 5-6 चिड़ियाँ साहसपूर्वक उसके मुंह पर पंख फड़फड़ाते हुए गुस्से से चीखती उड़ रही थी। उन्होंने उसकी भूख का निरंतर लगा दिया हो, क्योंकि जब मैंने कुछ क्षण बार देखा तो जॉर्ज गायब हो चुका था या गिर पड़ा था। उसे पेड़ों से टपक जाने की आदत तो थी ही,
वर्षा सी में बहुत ही सक्रिय रहता, यद्यपि सर्दी में खुद आलसी लगता था। वह हमें बहुत कम दिखाई देता था। कभी कभी वह दीवार या झाड़ी के ऊपर निपटे धूप सेकते हुए दर्शन हो जाते थे। उसका भी एक परिवार था। घास में तेजी से रेंगती हुई उसकी संक्षिप्त अनुकृतियाँ देखी गई हैं। फिर बसंत आया। हमारे जीवन में जॉर्ज का प्रथम नाटकीय आगमन हुआ। एक वर्ष बीत चुका था। वे अब भी कहीं पास ही है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से मैं बता सकती हूँ कि वह किधर होगा। मुखर्जी परिवार के घर से उठते कोलाहल के अनुसार वह वहाँ होगा। जी हाँ, हमारे सामने के फाटक में मैं उनके पीले और घबराए हुए चेहरे देख सकती हूँ। वह पीलापन इसलिए है क्योंकि वह जॉर्ज को बगीचे में रेंगता हुआ देख रहे हैं। हाँ, जंगल को लौटते हुए वह वहीं आ गया है। सड़क के किनारे रेंगते हुए उसका अति सुंदर और भयावह शरीर धूप में चमक रहा है। उसके आगे हमारे पड़ोसी का बूढ़ा गठिया ग्रस्त कुत्ता छाम में ऊँघ रहा है। उसने जॉर्ज को देखा और युवाओं सी फुर्ती से उछलकर गुस्से से जरा जोर से भोंककर सरपट घर के अंदर भागा। उसके जकड़े हुए पैर ऐसे काम करने लगे मानो तेल पड़े हुए पिस्टन हों। जॉर्ज आगे रेंगता गया और जंगल में प्रवेश के तुरंत बाद पौधों में अदृश्य हो गया। अलविदा जॉर्ज, अगली भीड़ तक। गिलहरियों के परिवार को खुशी में पेड़ों पर खेलते देख मुझे याद आता है वह अतीत। 7 वर्ष पहले जब मैं और मेरी बहन छोटे बच्चे थे, हम घर से निकलकर दूर क्षितिज पर फैले हरे भरे खेतों में खेलने के लिए दौड़ जाते। हम जंगली फूलों के गुच्छे चुनते और लंबी ऊंची पंपा घास के झुरमटों में छिपन छिपाई खेलते और चुपके से नेवले और उसके बच्चों को धूप में उदम मजाते हुए देखते। वह सुखद दिन थे जब बहुत कम मकान थे। रात को हम गिद्धों को चिल्लाते हुए सुनते। वे सब हरे भरे खेत लुप्त हो गए। यहाँ पंपा घास हवा में झूमती थी, वहाँ अब मकानों की पंक्तियाँ हैं और धुआं उगलते कारखाने हैं। अब नेवले बहुत कम दिखाई देते हैं। रात को गिद्ध भी नहीं बोलते। कहाँ गए वे सब? मुझे यकायक बहुत दुख होने लगता है क्योंकि दूर कहीं निर्दयी कुल्हारियों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या लोग इस बचे हुए हरे भरे जंगल को भी साफ करने आ जाएंगे, पेड़ों को काटने और पौधों को उखाड़ने और अधिक मकान बनाने के लिए? यदि ऐसा करेंगे तो ये सब प्राणी कहाँ जाएंगे? इन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा? पक्षी अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे? क्या वे सब विलुप्त हो जाएंगे सदा के लिए?